हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। ये जो आर्टिकल है आपका वो है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे। देखिए, एनपीटी जो कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का शॉर्ट फॉर्म है, उसके 5 साल हो चुके हैं और उसका रिव्यू मीटिंग होने वाला था, लेकिन ड्यू टू कोविड वो हो नहीं पाया। एनपीटी जो है उसका 50 साल कंप्लीट हो गया 2020 में, और एनपीटी का जो रिव्यू मीटिंग था वो हो नहीं पाया। जैसे मैंने बताया, ये एक ट्रीटी है बेसिकली डिसआर्ममेंट के लिए। जब हिरोशिमा और नागासाकी जैसा सिनेरियो हुआ था, जब जापान पे यूएसए या अमेरिका ने अटैक किया था, तो आपको पता है कितना बुरा हाल हुआ था। तो उसके बाद देश जो डिफरेंट कंट्रीज़ थे, उन्होंने रियलाइज़ किया कि न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर वेपन्स कितने ख़तरनाक हैं। तो ये जो ट्रीटी है ये साइन हुआ था 1968 में और इसे फोर्स में लाया गया था 1970 में। इसका ऑब्जेक्टिव अगर आप देखो तो बेसिकली है कि स्प्रेड जो न्यूक्लियर वेपन है, वेपन टेक्नोलॉजी का स्प्रेड रोकना। क्योंकि देखिए, कुछ नेशंस तो रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन कुछ नेशंस रोग नेशन जिसे हम कहते हैं, जैसे कि इसमें नॉर्थ कोरिया आ गया आपका, या फिर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, अगर उनके पास ये वेपन्स चले गए तो क्या होगा। तो इस कारण से जो स्प्रेड है न्यूक्लियर वेपन्स का, उसको रोकने के लिए ये बनाया गया था। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है इसका कि कोऑपरेशन। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि न्यूक्लियर वेपन जो है या न्यूक्लियर पावर जो है ओवरऑल, ये दो तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, खुद के नुकसान के लिए भी और ह्यूमैनिटी के डेवलपमेंट के लिए भी। तो कोऑपरेशन जो पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी के लिए भी काफ़ी ये एक ऑब्जेक्टिव था एनपीटी का, ताकि ये वेपन के जगह पीसफुल यूज़ में लाया जाए। तीसरा है कि जो गोल है न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट का, उसको अचीव करने के लिए, ताकि हमारा जो पूरा वर्ल्ड है वो और ज़्यादा पीसफुल रहे और ज़्यादा सेफ और सिक्योर रहे। ये बेसिकली आपका मेन गोल तो इसका यही था कि नॉन प्रोलिफरेशन और डिसआर्ममेंट। और ये एक ओनली ये सिर्फ एकमात्र ऐसी ट्रीटी है जो कि बाइंडिंग कमिटमेंट देती है इन अ मल्टीलेटरल ट्रीटी टू द गोल ऑफ डिसआर्ममेंट। मतलब कि जो भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं उनको टारगेट देती है ताकि वो अपना डिसआर्ममेंट करें और जो पूरा वर्ल्ड है वो और ज़्यादा सेफ हो सके। तो इससे रिलेटेड एक है आपका IAEA, जो जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये बनाया गया था 1957 में, ताकि जो न्यूक्लियर कोऑपरेशन है अलग अलग देशों के बीच में वो किया जा सके, ठीक है। दूसरा कि ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि यूनाइटेड नेशन के ही अंदर आती है। ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। इसका 3 मेन रोल है। पहला है कि जो पीसफुल यूज़ है न्यूक्लियर एनर्जी का, चाहे वो साइंस में हो या बाकी एरियाज़ में हो, एज एन एनर्जी सोर्स हो, तो वो और ज़्यादा उसको बूस्ट करना। दूसरा कि न्यूक्लियर सेफ्टी, जैसे जहाँ पे भी न्यूक्लियर पावर का यूज़ हो रहा है या रेडियो एक्टिव वेस्ट जनरेट हो रहा है, उसका सही तरीके से डिस्पोजल और जो न्यूक्लियर सेफ्टी है सिविलियंस के लिए वो मेंटेन करना। तीसरा कि जो 900 सिविलियन फैसिलिटीज़ है वो चेक करना कि कहीं उसका जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसको वेपन की तरह, वेपन बनाने में यूज़ तो नहीं किया जा रहा, तो ये ध्यान देने के लिए। ये सारा आपका इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का रोल है। अगर आप इंडिया का स्टैंड देखो एनपीटी पे, तो वो है कि वो चाहता है यूनिवर्सल नॉन डिस्क्रिमिनेटरी और वेरीफाइबल न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट। इंडिया चाहता है कि पूरा वर्ल्ड न्यूक्लियर जो आर्म्स है उससे फ्री हो, ठीक है। वो पूरा वर्ल्ड जो है और ज़्यादा पीसफुल हो, यूनिवर्सली आप और ज़्यादा सेफ हो। और इंडिया ने साइन नहीं किया है या उसने एनपीटी अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है। ये बेसिक बातें आपको पता होना चाहिए। अगर अचीवमेंट की बात करें कि एनपीटी का अचीवमेंट क्या है, तो पहला तो यही कि जो न्यूक्लियर वेपन्स का नंबर था वो ऑलमोस्ट 70,000 था 1986 में, जब आप देखो, जो कि अब घट के 12,500 ही रह गया है। दूसरा कि जो प्रोलिफरेशन है उसको कंट्रोल करने में ये जो एनपीटी के थ्रू हम सक्सेसफुल हुए हैं। तीसरा है कि एडिशनल प्रोटोकॉल फॉर डिटेक्शन के थ्रू हम और ज़्यादा कोऑपरेशन की तरफ आगे बढ़ पाए हैं, साथ में न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन, ये सारे अचीवमेंट है। इसी में आपको एक और बात पता होना चाहिए, वो है सिप्री, जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसने जो डाटा दिया है उसके अनुसार जो नेक्स्ट, जिस तरह से अभी जो इंटरनेशनल सिनेरियो है उसमें
जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसका नंबर ग्रो करने वाला है इन नेक्स्ट डेकेड या इन द कमिंग डेकेड, ठीक है। दूसरा कि रसिया और यूएसए जो है वो ऑलमोस्ट 90% न्यूक्लियर वेपन्स पोजेज करते हैं। तीसरा है कि 9 न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स इंक्लूडिंग इंडिया अपने जो भी आर्सेनल है उसको मॉडर्नाइज करना वो कंटिन्यू कर रहे हैं। ये सारे सिप्री के रिपोर्ट में निकला है। उसके बाद चैलेंजेस अगर हम देखें तो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑन एनपीटी, वो यही है कि पहला तो है कि नन कम्प्लायंस ऑफ इच न्यूक्लियर वेपन स्टेट विद द ट्रीटी। देखा जा रहा है कि जो आर्सेनल साइज है वो इंक्रीज़ हो रहा है, स्पेशली जब आप रसिया और चाइना को देखो तो। दूसरा कि फ्यूलिंग अ न्यू न्यूक्लियर आर्म्स रेस, जिस तरह से चीज़ें चेंज हो रही है, सिनेरियो चेंज हो रहा है, रसिया यूक्रेन वार हो गया तो एक न्यू आर्म्स रेस देखने को मिल रहा है। तीसरा है कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट जो है वो और ज़्यादा अनट्रस्टवर्दी होते जा रहा है और ज़्यादा एनार्किक होते जा रहा है। जब आप देखोगे सऊदी अरबिया और ईरान का टेंशन, या जिस तरह से यूएसए ने विदड्रॉ किया JCPOA से, साथ में इस ट्रीटी में खुद बहुत सारे लूप होल्स हैं और जो कि जो देश हैं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन को ऑब्टेन करने के लिए। उसके बाद जो नए टेक्नोलॉजीज़ हैं वो जिस तरह से इमर्ज कर रहे हैं, तो ये नए टेक्नोलॉजी कंबाइंड विद न्यूक्लियर वेपन्स एक और बड़ा ख़तरा पैदा कर रहे हैं। साथ में इंटरनेशनल डिप्लोमेसी जिस तरह से ब्रेक डाउन हुई ओवर यूक्रेनियन इन्वेजन, एक नया तरह का कोल्ड वार हम इमर्ज होते हुए देखे। साथ में मिलिट्री ग्रुपिंग्स बन रहे हैं जैसे ऑकुस अरेंजमेंट, तो इस तरह से जो ख़तरा है वो बढ़ रहा है। और एनपीटी को हमने एनालाइज कर लिया, क्या है उसके बेसिक टर्म्स और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या उसके फ़ायदे हुए हैं वो भी हमने देख लिया। अगर हम आगे का बात करें कि वे अहेड क्या होगा, तो देखिए जो बड़े पावर्स हैं उनका मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, और इसलिए यूएसए और रसिया का भी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस एरिया में। दूसरा जो TPNW का जो ट्रीटी है उसको एडहेयर करना, पीसफुल यूज़ पे ज़्यादा ध्यान देना इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट एज अ वेपन, नहीं तो और ज़्यादा हम जो हिरोशिमा नागासाकी जैसा केस देखेंगे। उसके बाद एक न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन भी हम बना सकते हैं, जिसके थ्रू हम कलेक्टिवली एक न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से हमने ये आर्टिकल कर लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।